क्या करें, भाभी जी को घर पर रहना पड़ता है तो फिर कहीं जाने का. ऑफ कोर्स वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इट्स पवन इनिशिएटिव एंड आई एम लाइक अ ह्यूज ह्यूज एडमायरर एज वेल एज अ फ्रेंड ऑफ पवन. और मुझे ऐसा लगता है दिस इवेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. इट्स नेवर हैपेंड दैट दिस इज अ टाइम ऑफ चॉइसेस. यू हैव चॉइसेस, जैसे कहते हैं इट्स द कंज्यूमर इज द किंग. और आपके पास हर चीज की चॉइस है. आज आपको एक छोटा सा अपने लिए फोन या एक अपने लिए जूता भी खरीदना होता है तो आपके पास हजारों चॉइसेस होती हैं. तो हमारी जिंदगी का जो एक बहुत अहम डिसीजन होता है अपने बच्चे को किस स्कूल में, किस बोर्ड में, किस इंस्टीट्यूट में हम भेजें, उसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं, उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों को फोन करने की जरूरत नहीं है, दोस्तों को फोन करने की जरूरत नहीं है. इट इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप. आप यहाँ आइए एंड यू सी ऑल द चॉइसेस दैट इज अवेलेबल फॉर योर किड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डू यू वांट टू गिव देम, व्हाट काइंड ऑफ कैंपस एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डू यू वांट टू गिव देम. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स बहुत अच्छा दौर चल रहा है. आपको अगर अपनी मनपसंद फिल्में देखनी है तो आज ही दिखा देंगे. पूरा आपको जो फ्रेंड सर्कल है एक नए नए आइडियो के साथ जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है, क्या कहना है? जी, मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है 1018mb.com जिसके तहत आप जो भी फिल्म बड़े पर्दे पे देखना चाहें हम आपको वो दिखा देते हैं. इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. आप वोट कीजिए, फिल्म हम आपको दिखाएंगे आपके थिएटर में. तो जी हाँ, बिल्कुल. और ये वक्त ऐसा है कि हर चीज के लिए यू हैव चॉइसेस एंड यू आर स्पॉइल्ड विद चॉइसेस. और हम डिसीजंस सिर्फ सामने वाले को क्यों दें? हर मेजर डिसीजन या जो चॉइस हम करना चाहते हैं वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए. तो ये आपके पेरेंट्स के हाथ में ये डिसीजन है कि मैं अपने बेटे को कौन से स्कूल में भेजना चाहता हूँ. इस ये बात इस डिसीजन पे बेस्ड नहीं है कि इसने ये कहा था, फलाने ने ये कहा और ढिमके ने ये कहा. इट शुड बी अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन. That's a very correct statement. Yes. Informed decision. Ji. We make decision without information. Absolutely. जैसे आपने कहा जी, मानना है पर्सनली कि कोई भी बड़ा मूवमेंट या कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन या चेंज बिना किसी तकलीफ के तो नहीं आता है ना. ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा हो गया भगवान ठीक कर दो लेकिन मुझे दर्द ना हो. तो ऐसा होना तो मुश्किल है और असंभव है. हमें जब आज़ादी भी मिली थी तो हजारों और लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी, कई लोगों के खून बहे थे. इन प्रिंसिपल इस फिलॉसफी का मैं सपोर्ट करती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए. बेशक इसमें काफ़ी डिबेट हो सकता है कि जिस तरीके से हुआ शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होना चाहिए था टू हाउ टू पंप इन द कैश. शायद वहाँ थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी बट दैट इज़ अगेन डिबेटेबल. बट आई इन प्रिंसिपल सपोर्ट दिस होल मूव ऑफ डीमोनेटाइजेशन. चाहूँगी कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास करियर की चॉइसेस बहुत कम हुआ करती थी. हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता था, बेटा आप PET दे दो, PMT दे दो, या फिर आप CA बन जाओ, या फिर चलो बहुत बहुत थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहो तो MBA कर लो. लेकिन करियर चॉइसेस अच्छी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और फोकस हमेशा पढ़ाई का जो होता था वो याद करने पे हुआ करता था. फोकस इस पे नहीं हुआ करता था कि क्रिएटिव थिंकिंग आप कीजिए, आप क्वेश्चंस पूछ के अपने आप थ्योरम्स बनाइए. पहले हम रट लेते थे थ्योरम्स. सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, थिंक मोर ऑप्शंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मोर ऑप्शंस, इवन फोटोग्राफी कैन बी a good career option, script writing can be a good career option, acting can be a good career option, so many things can be a good career option. जिसके कि institutes होने चाहिए और बच्चों को अपनी choice और अपना रुझान देखकर उनको उस तरफ जाना चाहिए. मुझे पर्सनली परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत कुछ ऑनलाइन करती हूँ. मैं अपनी सब्जी भी ऑनलाइन मंगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहता है. बेशक जो आसपास के लोग हैं थोड़ी उनको दिक्कत डेफिनेटली हुई क्योंकि उनको क्यूज में खड़ा रहना पड़ा. कैश की थोड़ी कमी थी बैंक में और जब तक वो उनका नंबर आता था तो कैश खत्म हो जाता था. लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ गुड मूव. बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग थे
उन लोगों ने पेटीएम चालू कर दिया, अलग अलग तरीकों से उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया. सो आई थिंक इट विल एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन. तो आई थिंक इट्स टुवर्ड्स अ गुड कॉज. अच्छा, कश्मीर कैसा लगाऊंगी? आई विश आई कैन सी. कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल है, फारूक साहब ने कहा कि कश्मीर जो है भारत की बपौती नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले आपने बहुत गंभीर मुद्दा खोल दिया है. देखिए, ऑफकोर्स मुझे ये कहना है कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारी सरकार और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पीस हो. इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट, आई कांट आंसर इन वन और टू लाइन्स, बट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें तो कश्मीर में आती ही रही हैं, बट आई रियली होप एंड फील दैट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया पीसफुली. सोनिया, हमने क्लास के बाहर निकाला जाता था, पनिशमेंट मिला भी नहीं था, वो सब बता रहा. यार, मैं तो बड़ी ना सिंसियर स्टूडेंट हुआ करती थी. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई है कहने में, कि मैं ना बड़ी फाइटर थी. मैं हर चीज़ में फाइट मारती थी कि यार मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इसमें भी फर्स्ट आना, उसमें भी फर्स्ट आना, इसमें भी फर्स्ट आना, उसमें भी फर्स्ट आना. लेकिन फर्स्ट मैं बहुत बार नहीं आई हूँ लाइफ में, लेकिन मैंने फाइट बहुत किया है. आई एम अ फाइटर बट आई एम नॉट अ विनर. बदमाशी कर दी? बदमाशियाँ हुई हैं, मतलब एक दो लड़कों को मैंने पीटा है क्लास में. हाँ, मुक्के मुक्के मारे. एक बार मैंने एक को मुक्का मारा, उसने मेरी आँख में. आपकी गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती है.